श्रीकाल, आओ मिलकर इनकलाबे ताजा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। कुछ सूरमे जिहे हुंदे हन जिहड़े कि कदे कदाही धरती ते पैदा हुंदे हन। अजिहे एक सूरमे सन शहीद भगत सिंह। अज असी उन्हां दे जीवन बारे जाणांगे। भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव भाई रस्सा फांसी दा जेकर चुमदे ना गुलाम रहिंदे सारे साडे देशवासी आजाद हो के अज घूमदे ना। भगत सिंह दी जीवन गाथा शुरू करन तो पहला उन्हां दे नाल ते उन्हां दे परिवार नाल संबंधित कुछ तस्वीरां देखदे हां। ये तस्वीर भगत सिंह दी जदों उन्हां दी उम्र 11 साल सी। ये भगत सिंह 17 साल दी उम्र दे विच, भगत सिंह उम्र 20 साल जदों ओह पहली बार जेल गए सन। ये भगत सिंह 22 साल की उम्र दे विच फांसी दिते जाण तो एक साल पहलां दी तस्वीर है। ये हन उन्हां दे माता विद्यावती जी, पिता सरदार किशन सिंह, चाचा सरदार अजीत सिंह ते दूजे चाचा सरदार सवरन सिंह दी तस्वीर है। हुण असीं उन्हां दे जन्म बारे देखदे हाँ। शहीद भगत सिंह नूं शहीदे आजम शहीदां दा सरताज कहा जांदा है। उन्हां दा जन्म खटकड़ कलां पिंड विच सन 1907 विच माता विद्यावती दी कुखों होया। उन्हां दे पिता सरदार किशन सिंह सेंट्रल जेल लाहौर विच, चाचा अजीत सिंह मांडले दी जेल विच ते इक होर चाचा स्वरण सिंह लाहौर जेल विच कैद सन। भगत सिंह दे जन्म तो कुछ दिनों पिछों ही तिने रिहा हो के घर आए तो दादी ने नवें जन्मे बच्चे का नाम भागा वाला रखिया, जिहड़ा कि मगरों भगत सिंह दे रूप विच प्रचलित हो गया। बालक भगत सिंह नूं राजनीतिक गुड़ती बचपन तो ही मिली सी। 14 साल की उम्र तक वह ना मिलवर्तन अंदोलन विच पूरी तरह कुद चुके सन अते गुरद्वारा सुधार लहर दीआं स्टेजां ते जोशीले गीत गा के श्रोतियां नूं मंत्र मुग्ध करके नामना खट चुके सन। उन्हां नूं संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ते अंग्रेजी भाषावां दा काफ़ी ज्ञान सी। कालजी साथियों नाल उह सदा संसार दे इनकलाबियां दीआं गल्लां करदे ना थकदे। अपने देश नूं आजाद करवाउणा उन्हां दा प्रमुख आदर्श सी। भगत सिंह बड़ा सोहना ते सुनखा नौजवान सी। जो भी उसनू देखदा वह कीलिया जांदा। जदों उसदे विआह दी गल चली तां भगत सिंह दा उत्तर सी, मेरा विआह तां उदों दा आजादी दी लाड़ी नाल हो चुका है जदों दा मैं खेतां विच बंब बीजा करदा सी। हुण तां तुसीं उस फसल दी उड़ीक करो जो इस विच्चों पैदा होवेगी। भगत सिंह कलम दे भी चंगे धनी सन। उस समय पंजाबी ते उर्दू दा किरती नां दा अखबार सरदार सोहन सिंह जोस वालों कढ़िया जाता सी। भगत सिंह अपनी नौजवान सभा समेत उस नाल जुड़ गया। उन्हां दिनां विच इनकलाबी कारवाइयां दे केंद्र लाहौर अते कानपुर सन। भगत सिंह ने दोहां थावां नाल संपर्क जोड़ रख्या सी। कानपुर दे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी अते उन्हां दे अखबार प्रताप दा वी ओह इक अटुट अंग सन। प्रताप विच उन्हां दे लेख बलवंत सिंह दे नां हेठ छपदे। अंग्रेज़ सरकार वालों भारत की समस्या के हल लई साइमन कमीशन सन 1928 विच भारत आया। इस कमीशन ने जांच करके यह दसना सी कि भारती आज़ादी चाहते हैं या नहीं। आज़ादी तो हर किसी का जमांदरू हक हुंदा है। विदेशी सरकार दे इस कमीशन का बाइकॉट देश भर विच कीता गया। पंजाब विच भी लाला लाजपत राय की अगवाई हेठ लाहौर विखे एक जलूस निकलिया। पुलिस ने निर्दयी होकर जलूस ते लाठियां वराइयां, जिस नाल लाला लाजपत राय जी बुरी तरह फट्टड़ हो गए। कुछ देर बाद वह शहीदी पा गए। भगत सिंह ते उसके साथियों ने सहुं खाधी कि वह लाला जी के खून का बदला खून नाल लैणगे। स्कॉट नां दा अधिकारी इस मंतव लई उन्हां दा निशाना सी। गिणी मिथी योजना अनुसार उस स्कॉट नूं मारन लई कोतवाली गए। जदों सांडरस अपनी मोटरसाइकिल ते सवार होकर बाहर निकलिया तो उन्हां सांडरस नूं ही स्कॉट समझ के टिकाने ला दिता। उसकी वफादारी करदा उसका रीडर चन्नण सिंह भी भगत सिंह की गोली का निशाना बनया। ये सब पंजाब की राजधानी लाहौर विखे दिन दिहाड़े होया। इस तो मगरों भगत सिंह सरकार दी अखां विच कट्टा पा के निकल जाण विच कामयाब हो गया।
अंग्रेज सरकार देश अंदर आजादी की वधदी हुई लहर तो घबरा उठी। वह अपने राज नूं पक्कियां करन लई लोक विरोधी कानून बना रही सी। देश अंदर जलसियां अते सभावां राहीं इन्हां कानूनां बारे रोस प्रगट किया गया, पर सरकार दे कन्नां ते जूं ना सरकी। भगत सिंह ते उसदे साथी वटुकेश्वर दत्त गिणी मिथी योजना अनुसार केंद्रीय असैम्बली हाल विच गए, जिथे लोक विरोधी कानूनों बारे अंतम फैसला दिता जाना सी। इन्हां दोहां नौजवानों ने ठीक समय ते दो बंब हाल विच सुट्टे, जिहड़े खड़ाक करन वाले तां सन पर किसी की जान लैण वाले नहीं सन। बंब डिगण दे नाल ही उन्हां इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाए ते परचे सुट्टे। उन्होंने गर्ज के कहा, बोले ना बनो, जनता की आवाज़ सुनो, काले कानून वापस लवो। अपनी मर्जी नाल इह दोवें सूरमे हाल विच ही गिरफ्तार हो गए ते अपने मुकदमे राही पूरे देश अगे सरकार दा भांडा भन्नना चाहुंदे सन। यह काम उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके नाल कीता। अदालत अगे दिते गए बयान विच उन्होंने कहा, असी अपने देश की मदहाली ते उसके कारणां नूं गौर नाल देखिया है। वर्तमान सरकार दी नीतियां लई अंग्रेज अफसर जिम्मेवार हन। सरकार देश की जनता की दुश्मन है अते राज प्रबंध विच निकम्मी है। भगत सिंह ते उसके साथियां सुखदेव, राजगुरु, किशोरी लाल, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, अजय कुमार, गया प्रसाद, जितेंद्र नाथ दास, वटकेश्वर दत्त ते 9 महीने मुकदमा चलता रहा। इस दौरान साढ़े सुरवीरां ने सरकार ते उसकी पुलिस दे रज के पाज उगाड़े। छिद्दी पई सरकार ने ऐलान जारी करके मुकदमा स्पैशल अदालत नूं सौंप दिता। इस अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव नूं फांसी की सज़ा दिती। सत्ता नूं काले पाणी भेजण दा हुक्म होया अते बाकियां नूं लंबे समय लई जेल विच डक दिता गया। सरदार भगत सिंह नूं शुरू तो ही अपने शहीद होण बारे पता सी। शुरू तो ही वह इस दिन नूं नेड़े आउंदे देख के खुश हो रहे सन। जे किसी ने कोई रुकावट पाउण दा यतन किया तां उन्हां इस दी परवाह नहीं कीती। इत्थों तक कि जदों इन्हां दे इनकलाबी साथियों ने अपने दिल की गल लिख के भेजण लई कहा ते कि चाहो तां असीं इस आखरी वेले तुहाडे बचाओ लई यतन कर सकते हाँ, तां भगत सिंह दा उत्तर सी, मैं जिंदा रहना बस सोचदा हाँ, क्योंकि जीवन नाल मैनू अथाह प्यार है। मेरे मन विच बहुत कुछ करन दीआं हसरतां हन, पर मैं कैद हो के जां सरकार दीआं शर्तां मन के उक्का जीणा नहीं चाहुंदा। अज संजोग नाल मेरा नाँ हिंदुस्तानी इनकलाब दा निशान बन चुका है। मेरे साथियों ने उस नूं इन्ना उच्चा कर दिता है कि जिंदा रह के मैं कदी भी उस तों उच्चा नहीं हो सकांगा। नाल ही मैं अपनी कमजोरी विखा के इनकलाब दे निशान नूं मद्दम नहीं पाउणा चाहुंदा, संगों दलेरी नाल फांसी दा रस्सा चुम के भारतीय मावां अगे यह आदर्श रखना चाहुंदा हाँ कि वह अपने बच्चों भगत सिंह बनाउणा लोचिया करन। मैं अपने आप नूं खुश नसीब समझदा हाँ कि देश की आज़ादी नूं नेड़े लियाउण लई शहादत दा जाम पी रहा हाँ। 23 मार्च 1931 नूं भारत मां दा इह सपूत भारतीय इनकलाब दा प्रतीक सानू सदीवी विछोड़ा दे गया, पर जो मिसाल वह जगा गया वह रहिंदी दुनिया तक बलदी रहेगी। उन्हां नूं सरकार ने फांसी लई नियुक्त समय तो एक दिन पहला ही शहीद कर दिता। फिरोजपुर नेड़े सतलुज के कंडे हुसैनी वाला बार्डर विखे बनी इन्हां अमर शहीदां दी समाधि अज भी सारे देशवासियों लई तीर्थ स्थान बनी हुई है। हर साल 23 मार्च नूं उन्हां दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां, जिला नवांशहर, हुण इसका नाम शहीद भगत सिंह नगर रख दिता गया है, विखे अते उन्हां दी समाधि हुसैनी वाला विखे भारी मेला लगता है। सो जी, इह तां सीगी भगत सिंह दे जीवन, भगत सिंह की जीवनी। आओ इस जीवनी ते सब तो पहला औखे शब्दों के अर्थ जिहड़े कि इस पाठ जीवनी विच आए हैं उन औखे शब्दों के अर्थ देखते हाँ। गुड़ती, नवें जमे बच्चे नूं चटाया जाण वाला गुड़ जां शहद। कीलना, मोह लैना, ना मिलवर्तन, सहयोग ना देण दा भाव, नामना खटना, प्रसिद्धि प्राप्त करनी। सुनखा, सोहणे नैण नक्श वाला। नड्डा, नौजवान मुंडा। गभरू, लाड़ी, दुल्हन, जमांदरू, जन्म तों। अधिकार, हक, टिकाणे लाउणा, मार देना। गौ, ध्यान नाल। आदर्श, उच्चा निशाना। सदीवी, सदा लई।
साका इतिहास में वापरन वाली दुखदाई घटना। इस तो बाद प्रश्न उत्तर, शहीद भगत सिंह नूं शहीद आजम क्यों कहा जाता है? शहीद भगत सिंह नूं शहीद आजम इस करके कहा जाता है क्योंकि उसने भारत की आज़ादी खातर हस हस के फांसी के रस्से नूं गल विच पा के शहीदी प्राप्त की। भगत सिंह दे माता ते पिता का नाम दसो। उन्हां दे पिता का नाम सरदार किशन सिंह ते माता का नाम विद्यावती सी। भगत सिंह का जन्म कदों ते कित्थे होया? उन्हां दा जन्म खटकड़ कलां विच सन 1907 विच होया। शहीद भगत सिंह दा बचपन दा नाम भागां वाला क्यों सी? जदों शहीद भगत सिंह दा जन्म होया तां उस तों कुछ दिन मगरों ही उस दे पिता सरदार किशन सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह ते चाचा जी सिंह जेल विचों रिहा हो के घर आए। इस खुशी विच दादी ने सुभाविक ही नवें जम्मे बच्चे दा नाम भागां वाला रख दिता। वह समझदी सी कि नवां जम्मिया बच्चा भागां वाला, जिस दे आउण नाल उसके पिता ते चाचे जेल चों रिहा हो के घर आ गए हन। शहीद भगत सिंह गुरद्वारा सुधार लहर दीआं स्टेजां ते की करदा सी? शहीद भगत सिंह गुरद्वारा सुधार लहर दीआं स्टेजां ते जोशीले गीत गा के सरोतियां नूं मुगध कर दिंदा सी। जदों भगत सिंह दे विआह दी गल चली तां उसने की उत्तर दिता? जदों भगत सिंह दे विआह दी गल चली तां उसने उत्तर दिता कि उसका विआह तां उदों दा आज़ादी दी लाड़ी नाल हो चुका है जदों दा उह खेतां विच बंब बीजा करदा सी। भगत सिंह ते उसके साथियों ने लाला जी दे खून का बदला किवें लिया? शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों ने लाला जी दे खून का बदला सैंडर्स नूं मार के लिया। भगत सिंह दा निशाना कौन सी पर उसकी गोली किस नूं लगी? भगत सिंह दा निशाना मिस्टर स्कॉट सी पर गोली सैंडर्स नूं लगी। शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों ने असैंबली हाल विच बंब क्यों सुट्टिया? अंग्रेजी सरकार आज़ादी की लहर नूं दबाउण लई लोक विरोधी कानून बना रही सी। देश भर में जलसियां ते सभावां राहीं इन्हां कानूनों का विरोध होया। भगत सिंह ते उसके साथी वटकेश्वर दत्त ने सरकार के कन्न खोलण लई असैंबली हाल विच धमाके वाले दो बंब सुट्टे। इस प्रकार उन्हां बंब सुट के इन्हां काले कानूनों का विरोध किया। शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों के नाम दसो। सुखदेव, राजगुरु, किशोरी लाल, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, अजय कुमार, गया प्रसाद, जितेंद्र नाथ, वटकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह दे साथी सन। शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों की समाधि किथे है? फिरोजपुर के नेड़े सतलुज के कंडे हुसैनी वाला विखे उन्हां दी समाधि बनी हुई है। धन्यवाद जी।